मुखबिर की सूचना के बाद बीहर नदी पर पुलिस ने की घेराबंदी। बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से मौजूद 5 बदमाशों में से एक को पकड़ा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान पुल पर लगा तमाशबीनों का जमावड़ा। बुधवार को मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 हथियारबंद बदमाश बीहर नदी के टापू पर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से मौजूद हैं, जिसकी सूचना मिलते ही सीएसपी के निर्देश पर पुलिस ने टापू को घेर लिया। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक ललुआ उर्फ रोशन निवासी कबाड़ी टोला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान छोटी पुल पर तमाशबीनों का हुजूम लग गया। पुल के ऊपर से गुजरने वाला हर शख्स वहां मौजूद पुलिस को देख अपने कामकाज छोड़ तमाशा देखने लग गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए बदमाश रोशन एक सातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में चोरी लूट जैसे 11 मामले दर्ज हैं। सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा इसे जिला बदर भी पेश किया गया है। कल करीब 10 बजे छोटी पुल के नीचे कबाड़ी मोहल्ला के जो समृद्ध आबादी के इतिहास रखने वाले कुछ अपराधी एक ग्रुप में दिखे, तो जिससे इस बात की आशंका थी। उनका पूर्व से भी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये जैसे ही इनको सिंपल बातचीत करने के लिए भी पूछताछ करना हो, तो ये पुलिस से बातचीत करने से भी बचने के लिए तत्काल बीहर नदी में कूद कर तैरकर दूसरे पार पहुँच जाते हैं और वहाँ से वो अपने को पुलिस पहुँच से दूर कर लेते हैं। तो कभी यही प्रक्रिया घटित हुई, क्योंकि इनके रिकॉर्ड के आधार पर इनका वंचित था बता जाना, तो उसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया। बीहर के चारों तरफ से महाराष्ट्र तरफ से घेराबंदी की गई। काफ़ी बड़ा विस्तीर्ण एरिया है, बीच में बीहर है, उसका गहरा पानी, नीचे पीले टापू हैं और उधर जंगली क्षेत्र है, काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं, काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों को पकड़ना कठिन होता है। और जो कबाड़ी मोहल्ले के ये आपराधिक तत्व हैं, उनके लिए वहाँ का ये जो भौगोलिक परिवेश है वो बड़ा ही मुफीद है कि वो क्राइम करते हैं तो कई बार उनकी आइडेंटिटी भी नहीं इस्टेब्लिश हो पाती है, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है तो उनको पकड़ना मुश्किल होता है, और इस तरह से वहाँ पर ये कुछ कुछ वारदातें उनके करने की खबर आती रहती है। इसी अनुक्रम में कल जब उनको घेरा गया तो करीब 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद एक आरोपी को पकड़ा जा सका है, जिसके पास से कुछ अवैध और आपत्तिजनक हथियार भी मिला है। बाकी अन्य लोग नहीं पकड़े जा सके, वो वहाँ से स्लिप हो गए हैं। उस पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं।